फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। टुडे इज द लास्ट डेट फॉर सम कोर्सेज जिनके लिए आज आपको अपना विलिंगनेस सबमिट करना है। ऑनलाइन काउंसलिंग में आगे बने रहने के लिए आज एक लास्ट डेट दी गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब मैं आप लोगों को इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि ये जो नोटिसेस हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट इनको रिमाइंड नहीं करते हैं, याद नहीं रखते हैं और काउंसलिंग से फिर उन्हें बाहर हो जाना पड़ता है। सो मैं पहले आपको कोर्सेज शो कर देता हूँ। पहले आप इन 6 कोर्सेज को देख लीजिए। MCA इंटीग्रेटेड लॉ, BCA बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन एंड BEd। इन कोर्सेज के लिए आज लास्ट डेट है अपना विलिंगनेस सबमिट करने का, जिसमें इनको अपना जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो बताना पड़ेगा कि भाई आप रखना चाहते हो या फिर फ्लोट करना चाहते हो। 40,000 आप लोगों के पास पेमेंट करने का आज लास्ट डे है। बाय 11:50 PM आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी अपडेटेड नोटिस अभी तक एक्सटेंशन को लेकर अपलोड नहीं करा गया, तो अभी तक के लिए यही लास्ट डेट है, इस चीज को मान के चलना है। कल तक के डेट में आप इसको विड्रॉल अपना ले सकते हैं। अब जो थर्ड राउंड है उसके लिए भी बहुत ही जल्दी नोटिसेस अपलोड हो जाएंगे, मैं आपको उसकी भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। 40,000 उसी स्टूडेंट को देने जिसको फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हुआ है, जिसने फ्लोट करा है उसको दोबारा से अपनी पेमेंट नहीं करनी होती। जिसने फर्स्ट राउंड सब सेकंड राउंड में आके पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहाँ पे उसको कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। अब यहाँ पे जो बाकी कोर्सेज हैं, इन 18 कोर्सेज के लिए भी आप ध्यान से देख लें, आज लास्ट डेट है अपनी विलिंगनेस देने के लिए। अगर आप विलिंगनेस नहीं देते हैं या फिर 40 के अपना पेमेंट नहीं करते हैं टाइम से, तो आप लोग इसके अंदर अपनी काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। तो 29 टुडे इज 29, तो मेक श्योर अपना जो है सीट फ्रीज करें और अपने ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसेस में बने रहे। अगर आप फ्लोट करते हैं तो आप थर्ड राउंड में चले जाएंगे, और यहाँ से अगर आपको अपग्रेडेशन मिलता है तो आपका ये वाला कॉलेज जो इस सेकंड राउंड में अलॉट होता है वो हट जाएगा और थर्ड राउंड का आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपको अपग्रेडेड सीट नहीं मिलती तो सेकंड राउंड का कॉलेज आपके पास एज इट इज़ रहने वाला है। जैसे स्टूडेंट को इस राउंड के अंदर मतलब सीट नहीं मिली है तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के अंदर आ चुका है, यानी कि थर्ड राउंड में वो आ चुका है। सो मेक श्योर कि आप अपने 40,000 रुपीज़ की काउंसलिंग का जो फी है वो पे कर लें। टुडे इज द लास्ट डेट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।